प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त क्या कह रहे हैं और क्या ये अखिलेश यादव पर निशाना है, सुनिए। तथ्य प्रमाणित है, आपके सामने प्रमाणिक तथ्य होंगे। समाजवादी पार्टी अपनी चार बार की सरकार के समय ओबीसी और एससी और प्रदेश के युवाओं को कितनी नौकरी और रोजगार दी है, इन तथ्यों को निकालिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 7 वर्ष में कितनी की है यह भी समाज के सामने रखिए, और उसमें यह भी देखिए कि ओबीसी समाज के कितने लोगों को उसके माध्यम से नौकरी मिली, यह भी बताया जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कितने लोगों के रोजगार को छीना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितने लोगों के रोजगार को उपलब्ध कराया है, यह भी जनता के सामने आना चाहिए। उन्होंने ओबीसी की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया था, इन माफियाओं को पाल करके, इन्हें पलवित और पुष्पित करके, और उन्होंने कहां कहां पर ओबीसी समाज के मार्ग पर कांटे बिछाने का काम किया था, इससे भी समाज को अवगत कराने की आवश्यकता है। आपके पर्व और त्योहार में व्यवधान डाल करके प्रदेश को दंगों की आंख में झोंकने का जो काम किया था उसके बारे में भी अवगत कराइए। आपकी खेती बाड़ी के मार्ग में जो इन्होंने अवरुद्ध पैदा किए थे इसके बारे में अवगत कराइए। और अब तो हम लोगों ने प्रदेश के अंदर न केवल उत्तर प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया है, बल्कि प्रदेश सरकार ने किसानों के साथ साथ उनके परिवार के जनों और बटाईदारों को भी 5 लाख रुपए की मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा के अंदर आच्छादित करने का काम किया है।